हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं गुड मॉर्निंग बोलू क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 8:30 से थोड़े से ज़्यादा। और मैं हूँ घर में अकेले, एक अकेली लड़की घर में, जो भी बोलते हैं, एक अकेली लड़की घर में, नहीं एक क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं घर में अकेली कुछ है गुरु जी लाइन में, तो घर में अकेली हूँ मैं। एक्चुअली मेरी ननद का एग्जाम था, तो हस्बैंड और ननद हस्बैंड के अंदर एग्जाम दिलाने के लिए, तो मैं अभी अकेली हूँ। और आज है संडे, आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और आज है फादर्स डे, जिसमें बहुत सारी मेमोरी बन रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए, मैं साफ सफाई करनी चाहती क्योंकि कल हम लोग नहीं किए थे। कल क्यों नहीं किए थे, कल मैं आराम कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही आराम हो गया मेरा, तो शाम को हम लोग बाहर चले गए थे, तो कल तो बिल्कुल काम धंधा ना हो पाया। मेरे को कर दी सफाई, मैंने सोचा, वैसे भी सोचा कि मैंने कोई नहीं रहेगा तो मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि अकेले को रोने से अच्छा है, तो मैं अभी थोड़ा सफाई करूँगी। और मौसम वैसे तो धूप है, अभी मैं आप लोग को दिखा धूप है, बट हवा बहुत अच्छी चल रही है। और मैं आप लोग को बात बताऊँ, और मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, कल मैं सब्जी लेने गई थी स्कूटी से, इनके पीछे बैठी थी, बट इतनी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे लगा था अगर यार 2-3 बार और बारिश हुआ तो मुझे तो ठंडी लगने लग जाएगी, मुझे बुलेट टॉप करना पड़ेगा। मैं वेट है यार, अभी देखिए अभी धूप था, अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया, अच्छा हो गया, काश मैं बादल दिखा पाती, बादल चल रहे हैं, दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे दिखाऊँ, सारे बादल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काश आप लोग भी आ पाते तो मज़ा ही आ जाता, बहुत ज़्यादा मज़ा आता। अरे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, कपड़ा भी सूखा है, सुखा रात में मैंने रख दिया था, अभी कुछ और कपड़े धुलने हैं ना मैंने रात में, क्योंकि इतना ही जगह है, तो धीरे धीरे बन बाई बन सब कुछ हो सकता है। हाय बजा ऐसे मौसम पे, और अभी धूप आ गया, तभी मैं थोड़ा काम धंधा कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अभी खाना ही बनाना, मैंने हस्बैंड को बोला खाना बना के रखी रहूँगी, ऐसा ना आप लोग खावा के आओ और मैं बना के रखी रहूँ, खाना बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा काम वाम करके, घर में बहुत गंदा, बाल्टी में थोड़ी गंदी हो गई है, गंदी हो गई, झाड़े बड़े मारना है बाल्टी में भी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, काम वाम खत्म करके, बाय। हाल देखो मेरा, थक गए यार बहुत ज्यादा, अभी केवल दोनों बालकनी, बाथरूम और दो बेडरूम में झाड़ू लगा है। बाथरूम तो पूरा अच्छे से साफ कर दिया, बालकनी में अच्छे साफ कर दिया, बेडरूम में भी झाड़ू लगा, अभी हॉल में झाड़ू लगाना बाकी है, हालत खराब हुई। 10 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद आगे काम करूँ, कपड़े शर्म आ रहे हैं, वरना टीवी ऑन कर दी, क्योंकि टीवी ऑन होता है आवाज़ आता रहता है, तो थोड़ा सा वो होता है मेरा, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा लगता है, चहल पहल रहती है, तो सन्नाटा रहता है तो मेरे को उतना पसंद नहीं है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, गाना बजा देती हूँ, काम करती रहती हूँ। जब मैं ससुराल में थी तो यही करती थी, गाना बज रहा था तो मैं काम करती रहती थी, इतनी गर्मी हो रही है, लेट भी हो गया, टाइम देख रही थी 10:34 हो रहा है, 10:30 बज गया, हस्बैंड लोग भी आएंगे, खाना भी बनाना है, अभी 10 मिनट आराम करके उसके बाद बालकनी में झाड़ू मारेंगे। इतना गड़बड़ बड़ा नहीं है, अच्छा है, बड़ा मतलब ठीक है, अच्छा है, बट हालत ख़राब हो जाती है मेरी, अच्छा है, चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए सही है, धीरे धीरे सामान आएगा, तो सजाने के लिए मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, तो सजाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब मेहनत करनी पड़ती तो पता चलता है, हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छिल बिल भी गया है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही काम करने में, मौसम एकदम झक्कास हो रखा है, बाहर जाने पर अच्छी अच्छी मस्त मस्त हवा आ रही है, रहते रहते धूप हो रहा, रहते रहते बादल हो रहे हैं, शाम तक बारिश होने की आशंका है, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, झाड़ू पोछा मार के मिलूंगी अब, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी सारा घर साफ वाफ हो चुका है, सबको सफाई कर दिया मैंने, और हालत खराब हो चुकी है मेरी, बालकनी भी सब कुछ हो गया, बालकनी बालकनी साफ, झाड़ू पोछा झक्कास हो चुका है, मौसम अभी थोड़ी थोड़ी धूप हो गई, थोड़ी थोड़ी छाँव हो गया, हवा चल रही है, कपड़े भी हैं लो करिएगा, देखो अभी छाँव हो गया, तो साफ सफाई हो गया है, बज रहे हैं अभी 12:30 बजे तक ननद का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का, 9:30 से 12:30, अभी हस्बैंड से बात हुई थी, मुझे लगा था 2 घंटे का है, 11:30 बजे लोग आ जाएंगे,
तो 11:30 छुट्टी हो जाएगी। बट मैंने कहा नहीं, 12:30 होगी और बज रहे हैं 12, तो मैं सोच रही हूँ ननद को कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी बनाने का प्लान था, तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना के रख दूँ, क्योंकि अगर नहाने जाऊँगी तो बार बार धुलना टाइम लगेगा उसमें, तो कढ़ी बना के रख देती हूँ, चावल तो जब वो लोग आएंगे तभी बना देंगे गरम गरम, तो सोच रही हूँ कढ़ी बना दूँ। थक गई हूँ यार बहुत ज़्यादा, इतना काम होता है ना औरतों को, मम्मी कितना काम करती है। अभी तो हवा ले रही हूँ मैं, अब सोच रही हूँ कढ़ी बना दूँ, उसके बाद फिर नहाऊँ, हेयर वॉश करूँ, सब कुछ करूँ। हस्बैंड को कॉल किया मैंने, कहा सारा काम कर लिया मैंने, कह रहे क्यों क्यों आते तो कर लेते हम लोग साथ में, मैंने कहा नहीं मैंने कर लिया। हालत खराब हो गई बहुत ज़्यादा वाली, पालती मार के बैठी हूँ मैं, तो चलिए अभी थोड़ा कढ़ी बना लेती हूँ मैं, कढ़ी बना के फिर नहा वहा लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। अभी किचन की मैंने सफाई नहीं की है, मैंने सोचा किचन का जब खाना बन जाएगा उसके बाद स्टैंड साफ़ कर दूँगी, अभी बर्तन भी धुलना है मेरे को, इसलिए मैंने किचन की सफाई नहीं की है, तो इग्नोर करिएगा किचन को मैं लास्ट में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं किचन साफ़ कर दूँगी फिर खाना बनाऊँगी तो फिर गंदा होगा, तो मैंने सोचा खाना बना के अच्छे से किचन की सफाई करूँ, बाकी सब घर एकदम चकाचक कर दिया है, फिर वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है। चलिए मिलते हैं किचन में, थोड़ा काम धंधा कर लूँ, थोड़ा क्या सुबह से काम धंधा तो कर रही हूँ, और वो लोग भी नाश्ते में ब्रेड चाय खा के गए, कि मॉर्निंग में क्या बनाती मैं, 6:30 उठ के उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया, तो ब्रेड कल का लेके आए थे, चाय दूध था तो चाय बना दी मैंने, वही खा के गया मैंने, ऐसे मुझे भूख लगी, कह रहे ना ये भूख तो नहीं लगी, तो आएंगे तो तुरंत खाना तो चाहिए उन लोग को, नॉर्मल सी बात है, तो कड़ी बना के रख देती हूँ, आएंगे तो चाय तुम गरम गरम बना दूंगी मैं, तो खा लेंगे, चलिए मिलते हैं आपसे। पकौड़ी के लिए प्याज काट रही हूँ, प्याज और मिर्चा दोनों काट रही हूँ, और साथ में कुछ बातें भी कर रही थी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए मुझे फॉरवर्ड करना पड़ा, और बात मैं ये कर रही थी कि हमारे यहाँ आम 130 रुपये के जी, मतलब जो आम हम लोग लेके आए थे वैसे तो आम इससे भी महंगा, बट हम लोग 130 रुपये के जी लेके आए थे, तो वही मैं बोल रही थी कितने महंगे आम है, पुणे में हमारे यूपी में तो 50 रुपये में आराम से मिल जाएंगे, यहाँ पे तो आम के लिए भी सोचना पड़ेगा, इतना महंगा महंगा आम है, तो वही हम लोग 2 किलो लेके आए थे, बट पता है आम भी उतना टेस्ट नहीं था, खट्टा खट्टा निकल गया, पैसा भी बर्बाद करो टेस्ट ही ना मिले, तो यही मैं आप लोग से शेयर भी कर रही थी और साथ में काम भी कर रही थी। अभी मैं पकौड़ी के लिए बेसन डाला है, और बेसन में मैंने नमक डाला था, हल्का सा धनिया पाउडर डाला था, प्याज तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, प्याज और मिर्चा और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा ना वो बेकिंग सोडा, खाने वाला जो होता है आई थिंक वही वाला, हल्का सा पिंच भर डाला था, और पता है इसको मिक्स करने के बाद लास्ट में जब आप लोग को छानना हो तो आप लोग हल्का सा घी डालिएगा या बटर, जो ऐसी चीज़ जो कि जम जाती हो वो चीज़ डालने से पता है मॉइस्चराइज हो जाएगी और पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये मैंने यूट्यूब पे एक चैनल है भरत किचन करके, उस पर मैंने देखा था तो उसने बताया था, और मैंने जस्ट वैसे ही ट्राई किया था, सीरियसली मानिए बहुत सॉफ्ट पकौड़े बने थे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए पकौड़े, वो पकौड़े ज़्यादा खा रहे थे, तो पकौड़े इससे बहुत, मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार मैंने ऐसे ही ट्राई किया, दोनों बार के पकौड़े बहुत सॉफ्ट बने हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पकौड़े हमारे हार्ड रह जाते हैं कढ़ी में डालने पे, तो बहुत सॉफ्ट बने थे, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को बताना चाहिए इसलिए मैंने बताया। तो लास्ट में मैंने ना हल्का सा बटर डाल के उसको मिक्स किया था, ये सोडा डाल रही हूँ और अभी मिलाऊँगी, फिर लास्ट में बटर मैंने डाला था, आप लोग एक बार ट्राई करना, अच्छा बनना चाहिए, मेरा तो अच्छा बना था। ये मैंने पकौड़े को थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख दिया, तो तब तक मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन भी नहीं धुले थे मेरे मॉर्निंग में काम वाम करके, फिर मैंने सोचा बर्तन बाद में धुलूँगी, तो वही मैं बर्तन धुल रही हूँ, तब तक जब 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगे मुझे बर्तन धुलने में। और आप लोग को पता है मुझे ना खाना बनाना मतलब नई नई चीज़ें बनाना तो पसंद है, जब से शादी हुई तब से अच्छा लगने लगा, अगर वो अच्छी बनती तो अच्छा लगता, अगर वो ख़राब बन जाती, एक्सपेरिमेंट ख़राब होता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तो काम खाना बनाना तो मुझे पसंद है, बट मुझे बर्तन धुलना ना पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहले मैं शायद बर्तन धुलती थी ज़्यादा ही, काम वाम तो करती नहीं थी, मतलब जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी फ्रेंड लोग खाना बनाती थी, मेरा काम रहता था बर्तन धुलने का, तब मुझे लगता वो इतना वो धुल लिया है ना मैंने बर्तन, क्या मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इग्नोर करती हूँ, बट यार करना तो है ही, तो फिर करना पड़ता है। समटाइम्स मेरी ननद हेल्प कर देती हैं, समटाइम्स हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हेल्प करता है,
बट एक होता है ना कि आप क्या पसंद है आपको, तो मुझे बर्तन धुलना नहीं पसंद, मुझे कपड़े धुलना नहीं पसंद और मुझे कपड़े प्रेस करना, ये तीन चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कपड़े प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे आता ही नहीं और मैं इंटरेस्ट भी नहीं आता है कपड़े प्रेस करने में बिल्कुल भी नहीं। झाड़ू पोछा अच्छा लगता, मतलब करने लगो तो अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में मन नहीं करता बट करने लगो तो एक होता नहीं अब साफ करना है, बट ये सब चीज़ें तो वही। मैं बर्तन धुल रही थी और मैं बकवास भी कर रही हूँ आप लोगों से, पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा नहीं होगा, बट मन की बात थी मैंने बता दी। तो मैं बर्तन धुल रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके धुल रही थी। अब छोटा सा किचन है जितना भी आप लोग देख ही रहे हो, तो पहले कुछ बर्तन धुल के फिर अलग कर दूँगी, फिर धुलूँगी ऐसे बारी बारी के साथ, सब धुल सब मांझ के फिर धुल ले रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े करके कर रही हूँ। मेरे बर्तन धुल रहे हैं, जितनी जल्दी जल्दी मैं फॉरवर्ड क्यों कहा, जितना जल्दी जल्दी इंसान काम भी कर पाता तो कितना अच्छा होता ना। बर्तन के साथ मैंने बेसिन भी धुल दिया, ज्यादा बर्तन नहीं, ज्यादा बर्तन थे क्योंकि रात को, सैटरडे को हम लोग क्या खाए थे, कुछ खाया था, तो सैटरडे को रात का भी बर्तन नहीं धुला था मैंने, क्योंकि रात में कुछ ज़्यादा ही मैंने खा लिया था, फिर मन नहीं किया बर्तन धुलने का, तो रात के बर्तन थे। और मॉर्निंग में तो वही चाय ब्रेड ही बना था तो वही धुलना था, तो वही लगभग मेरा बर्तन अब धुल चुका है। अब मैं करूँगी पकौड़े का काम, पानी का प्लग ऑन कर दिया है, पानी भर जाए। मैं यहाँ पे नमक टेस्ट कर रही थी कि नमक ठीक है नहीं पकौड़े में, और यहाँ मैं अपना ऑयल डाल रही हूँ पकौड़ों को छानने के लिए, ऑयल डाल दिया। ये मेरे पकौड़े भी लगभग रेडी हो चुके हैं। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, इस टाइम पे मैं भी भूल गई हूँ। और मैं पता क्या करती हूँ, किचन में अगर काम करी तो मैं सोचती हूँ किचन भी धीरे धीरे साफ ही करती रहूँ, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मेरा मैं मतलब स्टैंड जो उधर का तो ठीक है बाद में मैं साफ़ करूँगी, बट किचन के गैस वैस के सामने का जो गंदा होता है वो अच्छा नहीं लगता मुझे। मिर्चा डाल रही हूँ, आई थिंक मिर्चा काट के डाल रही हूँ मैं उसमें, तेल मेरा ये तेल लगभग मेरा गर्म हो चुका है। देखिए पकौड़े पकौड़े मैंने छान लिए हैं, पकौड़े सच में बहुत टेस्टी बने थे, मैंने टेस्ट भी किया, मेरे ननद भी टेस्ट, ननद ने भी टेस्ट किया था, हस्बैंड तो कढ़ी में डालने के बाद टेस्ट किया, तो उनको पकौड़े ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, वो पकौड़े कहते पकौड़े दीजिए मुझे। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करना बटर या घी डाल के, मुझे ऐसा लगा कि नहीं उससे फ़र्क पड़ा है, उससे बहुत सॉफ्ट बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, कल का व्लॉग मुझे कढ़ी अभी बनी रही थी बंद करना पड़ा क्योंकि बैल बजी घर की और वो लोग जल्दी आ गए थे। एक्चुअली वहाँ पे कोई टाइम का फिक्स नहीं था, जिसका जब पेपर ख़त्म हुआ तो चले आना है, तो ननद मेरी जल्दी ही आ गई थी तो सब कुछ जल्दी आ गया, और मेरा कढ़ी खुद बना नहीं था, मैं कढ़ी अभी बना पछा नहीं रही थी तब तक सब कोई आ गया था, तो फिर इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा, सबको भूख लगा था। फिर उसके बाद तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो कि आप लोग जानते हो, उस टाइम पर ब्लॉगिंग कौन करता है, और ये देखिए मस्त मौसम, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे कौन ब्लॉगिंग करे, तो मैच देख रही थी। और आपको पता है खाना हम लोग बाहर से ऑर्डर किए थे और रोटी कम पड़ गई थी, और इन पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, विकेट गिर ही नहीं रहा था। जैसे ही मैं गई रोटी बनाने के लिए, धड़ाधड़ 4 विकेट गिरा, मुझे गुस्सा आने लगा, मैंने कहा रोटी ज़्यादा नहीं मंगा सकते ये था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई कल, बहुत ज़्यादा थक गई थी घाम वाम करके। उसके बाद मैच पर देख के नहीं जाती, जैसे ही मैच ख़त्म हुआ मैं तुरंत सो गई, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने सोचा था ब्लॉग हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा रखा है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं दूसरे वाले बालकनी में हूँ अभी, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर। मस्त वाला मौसम है, काश आप लोग भी पुणे में होते तो मैं दिखा पाती कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी एकदम गर्मी ठीक हो रही है, बहुत रेयर कभी कभार हल्का फुल्का, वरना मुझे तो ठंडी ही लग रही है, तो बहुत अच्छा मौसम है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए, मौसम तो आपको मैं दिखाती रहूँगी यहीं से, आप लोग पुणे का मजा ले लीजिए, रोज़ रोज़ कह सके तो मौसम मैं बताऊँगी, अभी बाहर नहीं तो बाहर का भी दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना।